नमस्कार आज हम जानेंगे एलेक्स सिरप के बारे में और ये जो मेडिसिन है या ये सीरप जो है वो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही लें जिस तरह से डॉक्टर बोलें क्योंकि इन सारी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट और इनकी हानियाँ भी होती हैं इसलिए डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही लें आज हम जानेंगे एलेक्स सिरप के बारे में ये क्या होता है कफ एंड कोल्ड प्रिपरेशन होती है मतलब कफ में और कोल्ड में काम में आती है इट इज़ यूज टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम कफ़ जो खांसी होती है उससे रिलीफ लेने के लिए इसको लेते हैं एंड अदर सिम्टम्स लाइक नोज़ ब्लॉकेस जैसे जुकाम हो जाती है तो नोज़ ब्लॉक हो जाती है किस वजह से हुई है एलर्जी और कॉमन कोल्ड कॉज ड्यू टू एलर्जी और कॉमन कोल्ड की वजह से तो उस कंडीशन में इसको लेते हैं इट रिलीव एलर्जिक सिम्टम्स जो होते हैं जैसे कि स्नीजिंग छींकाना रनी नोज नाक बहना वॉटरी आइज आँखों से पानी आना एंड थ्रॉट इरीटेशन जैसे गले में इरीटेशन होती है जो काम खांसी के वक्त तो उसमें ये रिलीफ पहुँचाती है इट ऑल्सो प्रोवाइड रिलीफ फ्राम कंजेशन और स्टफ़ीनेस इन द नोज नोज में जो कंजेशन और स्टफ़ीनेस होती है उसमें भी ये रिलीफ पहुँचाती है एलेक्स सिरप बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड कफ एंड कोल्ड प्रिपरेशन और ये ड्राई कफ के लिए मेनली यूज़ होती है इस जो एलेक्स सिरप है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री ड्रग्स होते हैं कौन कौन से क्लोरफेनारमीन जो कि एक एंटा है देन दूसरा है फिनाइल जो कि डिकंजस्टेंट है और तीसरा है डेक्स्ट्रोमेथोप्राइन जो कि कफसप्रसेंट है तो क्लोर क्लोरफेनारमीन जो है ये कैसे वर्क करती है ये ब्लॉक कर देती है एक्शन ऑफ हिस्टामिन और हिस्टामिन क्या है इस सबस्टेंस रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एलर्जी हिस्टामिन की वजह से एलर्जी होती है तो इसके एक्शन को ये जो क्लॉर है ये ब्लॉक कर देती है तो एक तो ये भाग हो गया इसका देन दूसरा पार्ट है फिनाइल एफ्रीन ये किस काम में आती है ये श्रिंक कर देती है ब्लड वेसल्स जोन को सकोड़ देती है इन द नेसल पेजिस में और इस तरह से ये है स्टफ़ी नोज को रिड्यूस कर देती है तीसरा है डेक्स्ट्रो मैथोफ्रैन डैक्स्ट्रो मैथोफैन वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल ये किस तरह से काम करता है ये नर्व सिग्नल को ब्लॉक कर देता है फ्रॉम द कफ सेंटर से टू द ब्रेन टू मसल टू द मसल दैट प्रोड्यूस कफ जो कि कफ प्रोड्यूस करते हैं तो इस तरह से कफ में आराम होता है कलेक्टिवली इट हेल्प्स टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम ड्राई कफ अब इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं ड्राई माउथ होना थ्रॉट ड्राई थ्रॉट ड्राई नोज होना ड्रोजीनेस होना नींद आना डिज़ीनेस ब्लड विजन, धुंधला दिखाई देना हेड एक कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो सकता है रेस्टलेसनेस बेचैनी एक्साइटेशन होना और लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ये इसके साइड इफेक्ट हैं तो आज हमने जाना एलेक्स सिरप के बारे में यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करें और शेयर करें थैंक यू